वेलकम बैक टू माय चैनल भोटू भाई ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और अभी देखिए हम कितनी सुंदर जगह में है। इस समय हम चमोली और आज का ब्लॉग बहुत ही खतरनाक होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं कौन सी जगह रहे मलारी नीति वैली में जा रहे हैं हम बहुत ही बर्फ देखने वहाँ। और ये शादी चल रही है यहाँ पे पहाड़ी शादी होटल में रिश्तेदार का वाला भी। और क्योंकि मुझे पहाड़ों का इतना एक्सपीरियंस नहीं है मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ पहाड़ पे गाड़ी लेके तो हम इस ब्लॉग को खतरनाक बनाने के लिए खतरनाक आदमी को लेने जा रहे हैं जिसका नाम है सचिन गढ़िया। उसके होटल पे आइए आपको एक शानदार होटल दिखाते हैं। ये होटल का पीछे का व्यू पीछे नदी क्या मस्त नदी आ रही है। क्या लाए सचिन भाई हमारे लिए? हम आपके लिए लाए हैं चिकन पकौड़े। किसने बनाए? पुदीने की चटनी है ये। तो बढ़िया खेत की चटनी है। बढ़िया बना लेंगे। पुदीने की चटनी है। टेस्ट करो भैया आप। अभी टेस्ट करते हैं। ओके सर। जोशीमठ महाराजा भाई ठंडी हो रही है। ये हाथ में क्या है? ये ची गलत चीज है। बहुत ठंड हो रही है जोशीमठ। गाड़ी गंदी हो गई यार। और अभी हम जा रहे हैं आपका नीति वैली के लिए। नीति वैली हमारा इंडिया का फर्स्ट विलेज कहलाता है। माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी ने इसे लास्ट विलेज से फर्स्ट विलेज करवाया। हम माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी के बहुत बड़े फैन हैं। अभी हम हैं तपोवन में। अभी हम हैं स्टेमेट तपोवन में। यह सामने आप डैम देख रहे होंगे। ये डैम वही है जो 27 फरवरी को जहाँ आपदा आई थी और भयानक 7 फरवरी को जो आयदा आई थी और भयानक दृश्य देखना पड़ता। उत्तराखंड का ब्लैक डे कहलाता है और इस एरिया का भी ब्लैक डे कहलाता है। 100 सैकड़ों लोग यहाँ पे मर चुके थे इस डैम में। ट्रक खराब हो गया भाई। जेसीबी ट्रक उठा रही है जुगाड़। यह है नंदा देवी पहाड़। पूरा ग्लेशियर है। और अभी हमें रास्ते कौन सा रास्ते में भाई तपोवन क्रॉस किया। और गाड़ी ऐसे घूम रही है ना क्या बताओ इतनी हिल रही है। बहुत सारा भार आने वाला है। ये आया एरिया ये पूरा ले गया। ये पुल भी ले गया। ये वाला ये यहाँ पे पुल था। पुल था वहाँ पे से कनेक्टेड था यहाँ पे तक सारा टूट गया। इसके पुल के ऊपर से जो ये लेवल पुल चल रहा है ना अभी यहाँ पे चल रहे हैं इसके जो इससे भी उतने ऊपर भी क्यों ऊपर घर। अच्छा यहाँ इस वाला ग्लेशियर टूटा था जब इसके पीछे भी एक पहाड़ है। ये वो रोड है मतलब यहाँ अलाउड नहीं है मतलब टूरिज्म अलाउड नहीं है यहाँ पे। लोकल्स आ सकते हैं खाली। जूम करो वहाँ पर ना। क्या हम कहाँ पहुँच गए? क्या सुराई टुड्डा? वो भाई क्या मस्त नदी है नीचे। क्या मस्त नदी है। ए राइट चढ़ जा। यो यो बचपन से स्टार और लाइट से फ्लैशी दिक्कत हमें कोई ऐसी वैसी गुरु ऊपर वाले बहुत कैसे रास्ते जा रहे हैं। है भाई बहुत डेडली रास्ता है। कितना बोल यार कुछ 10 किलोमीटर पर आर की रफ्तार है भाई। 20 पे चल रही है डबल भाई। नौ हिमाचल वाला तो बंद कर दिया। इस पुल से जाएंगे क्या भाई? ओनली वन व्हीकल एट अ टाइम भाई। ओ भयंकर। अरे यार ऐसे पुल ऐसा पुल वहाँ बहुत है यार हिमाचल में मनाली और दो गाड़ी पास कैसे होगी एक साथ? आगे पीछे चल सकती है क्यों चल सकती। पहाड़ के बीच में पहाड़वा करता था हनुमान जी लेके जो हनुमान जी लेके लक्ष्मण के लिए। अच्छा के लिए द्रोणागिरी पर्वत उस पहाड़ के बीच में हुआ करता था। तुझे पता है यहाँ से पर हनुमान की पूजा नहीं होती। यहाँ से ऊपर हनुमान जी की पूजा नहीं होती है। हनुमान जी भी नहीं होते। कैसे रामले होते पता है? कैसे होती है लेकिन रामले में हनुमान नहीं होता। रामले यहाँ से ये इस एरिया के समझ गया।
क्योंकि उनकी वो ले गए ना, रोजगार ले गए यहाँ से। रोजगारी नहीं, बात हनुमान जी से ऐसी हुई थी कि दुआ रखने की। अच्छा डील हुई थी, डील हुई थी। पर ये कोई तो है बता था कि उनको बोला भी था कि हम ढूंढ के दे देंगे, कह रहे मेरे पे इतना टाइम नहीं है। किसने कहा था? वहाँ के जो लोग थे। हनुमान जी के पास टाइम तो था लेकिन क्या करें, वो नहीं था क्या भाई। ओ भाई क्या व्यू है, पानी तो देख, ब्लू पानी। ओ भाई और ये रेत है, देखो जूम करके दिखा दो कितना क्लियर पानी है ग्लेशियर का, बिल्कुल नीला पानी। पिसाब कर रहा पीछे। ओ भाई अरे तुम वो भी डाला करो शॉट। द्रोणागिरी पर्वत से आगे जा रहे हैं, अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम द्रोणागिरी पर्वत से आगे जाएंगे मलारी की ओर। मलारी की ओर द्रोणागिरी पर्वत में बहुत ठंड हो रही है। मैं तो सोच रहा था बहुत ऊपर है यार, 150 किलोमीटर है चीज़ ने वो पहाड़ों के बीच में। हम कब से चल रहे हैं? अभी हम चल चुके हैं टोटल 90 किलोमीटर आगे आ चुके हैं हम अपने घर से। 90 आए हम अभी तक खाली, शायद ज्यादा आ चुके हैं। 35। ओ भाई क्या मत चढ़ना है। अंधेरी गली, अंधेरी गली, गली थोड़ी है। बहुत तगड़ा ट्रैक आ चुका आगे, बहुत तगड़ी ऑफ रोडिंग, वन साइडेड रोड। बाप रे बाप, पिछली बार तो सनरूफ से बाहर निकला था मैं ऐसे। सनरूफ वाली गाड़ी भी अपग्रेड कर लेंगे भाई। मेरे ब्लॉग को शेयर करा करो, लाइक सब्सक्राइब करा करो। जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उस दिन मैं नई गाड़ी भी ले लूंगा। हम यहाँ के लोकल है तो हमको आगे जान देंगे, बाहर के बंदों को अलाउड नहीं है। मलारी आज हम रात को ही होम स्टे करेंगे क्योंकि आगे रोड बहुत खराब है। हम कल जाएंगे नीति, आग सेकते पहले यार, सबसे पहले बॉडी ठंडी पड़ चुकी है। कमरे के अंदर बहुत ठंड हो रही है, खाना पीना खा के सो जाते हैं क्योंकि कल सुबह हमें जल्दी जाना है नीति की तरफ। इस ब्लॉग को करते यहीं पे एंड, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।